हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आप अगर कतर में हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और दोस्तों आप कतर आने के लिए सोच रहे हैं तो फिर भी ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हूँ कि आज़ाद वीसा ओपन हुआ कि नहीं, और दूसरी बात आज़ाद वीसा क्या होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं, और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके और वो लोग भी सुन सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर दे। दोस्तों बता दें कि आज़ाद वीसा ऑलरेडी कतर में ओपन हो चुका है। दोस्तों जैसे कि आपको पहले हम पिछले वीडियो में बता दिया था कि एम्प्लॉय जो वीसा है ऑलरेडी ओपन हुआ है, वैसे ही आज़ाद वीसा भी ओपन है दोस्तों। और एक बात और बता दें दोस्तों कि कोविड जो अभी जो कोरोना वायरस है उस दौरान जो पहले वीसा बहुत सारी निकलती थी एक दिन में 200 300 250, पर ऐसा अभी नहीं है दोस्तों। अभी वीसा बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आज़ाद वीसा एक इलीगल वीसा है दोस्तों, और जो कतर का गवर्नमेंट है वो आज़ाद वीसा को इलीगल वीसा में बताया गया है दोस्तों। क्योंकि वीसा का अर्थ है दोस्तों, और कतर गवर्नमेंट जब वीसा के लिए अप्रूव करता है तो क्या होता है दोस्तों कि कंपनी के अंदर में जो वर्कर्स जो बुलाते कंपनी काम करने के लिए, वो कंपनी के अंदर में काम करना पड़ता है। पर दोस्तों आज़ाद वीसा में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप आज़ाद वीसा में जब आते हो कतर में तो आप फ्री से काम कर सकते हो दोस्तों। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जब आज़ाद वीसा में आप आते हो तो आपके कतर आते ही आपका जो कफील है, जो आपका मुदीर है, वो जो आपका ओनर है, जो स्पॉन्सरशिप दे रहा है वीसा को, एनओसी उसी दौरान आपको दे देगा दोस्तों। और वो एनओसी से आप किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो, काम कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जब आपका जो कपिल है, जो ओनर है, जो आपको आज़ाद वीसा दिया हुआ है, वो आपको पूरी तरह से फ्री छोड़ देगा दोस्तों। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि जितना भी खर्च है वीसा लगाने का, जो आईडी लगाना पड़ता है हर एक साल वो, और उसके बाद जो मेडिकल, जो बैंक कार्ड, जितना भी खर्च है दोस्तों वो आपका लगेगा दोस्तों। तो इसका अर्थ यही है दोस्तों आज़ाद वीसा का, कि आप कहीं पर काम कर सकते हो अपना आईडी लगा के, अपना मेडिकल खर्च करके और अपना रूम लेकर के आने के जितना एक्सपेंसेस, जितना खर्च है वह आप खुद करना पड़ेगा दोस्तों। आपका कंपनी कुछ नहीं करेगा उसमें। और एक बात और है दोस्तों कि आप जब आज़ाद वीसा में आते हो तो दोस्तों बहुत इसमें क्या होता है कि जो बहुत से कंपनी आने के बाद आपको क्या करता है कि वो कंपनी गायब हो जाता है दोस्तों, और आप ब्लॉक लिस्ट में भी वो कंपनी रहता है दोस्तों। तो जब दोस्तों आप आते हो कतर में तो अच्छी से आना और पूरी तरह से पहले पता लगा करके वो कंपनी कैसा है, हमको एनओसी देगा कि नहीं जाते ही, और जो ब्लैक लिस्ट में है कि नहीं, तो दोस्तों पहले ये बात आपको पता लगाना है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि आज़ाद वीसा बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों। क्यों एक्सपेंसिव है दोस्तों कि जब आप एम्प्लॉई वीसा में आते हो किसी कंपनी में तो वो वीसा आपको फ्री रहता है दोस्तों, यानी कि थोड़े एक्सपेंसिव खर्च होता है। पर आप जब आज़ाद वीसा मंगवाते हो तो उसमें आपको बहुत से खर्च लगता है, क्योंकि दोस्तों आज़ाद वीसा एक इलीगल वीसा है दोस्तों। इलीगल वीसा इसलिए माना जाता है दोस्तों कि एक कंपनी के अंदर में नहीं रहते ही दोस्तों, क्योंकि आप आते ही इधर आप पूरी फ्रीडम हो जाते हो, आप कहीं पर भी काम करते हो, इसलिए आज़ाद वीसा एक्सपेंसिव ही दोस्तों। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ये गैर कानूनी, इसको इलीगल क्यों माना गया है कि दोस्तों इधर क्या है कि जितना भी जो स्पॉन्सरशिप देता है दोस्तों, ये जो कतरी हो गया, जिसे भी जो मुदीर बोलते हैं हम लोग, वो लोग क्या करता है कि वीसा पठाते हैं और पैसा के लिए ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमको स्टाफ चाहिए, हमको वर्कर चाहिए, और ये लोग गवर्नमेंट से अप्रूव कराते हैं, उसके बाद वीसा देते हैं। तो दोस्तों ये वीसा पूरी तरह से इलीगल है, और ये पैसा के लिए एक कतरी लोग, थोड़ा बहुत कतरी लोग जो वीसा के ऐसा काम करते हैं दोस्तों पैसा के लिए। तो दोस्तों ये आज़ाद वीसा का जो क्या है वो किसको बोला जाता है, यही दोस्तों कि आप जब आज़ाद वीसा मंगाते हो तब कहीं पर काम कर सकते हो, और खुद की आप रूम लेके रहो, खुद की आप आते हैं आप कंपनी खोज सकते हैं, जैसे आप आते हैं इंटरव्यू देकर के अच्छा कंपनी आप चूज कर सकते हो, अच्छा कंपनी में जा सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज़ाद वीसा में आप आते हैं आपको एनओसी है वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं दोस्तों,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक फिर से बता दे दोस्तों कि आज़ाद वीसा ऑलरेडी ओपन है दोस्तों, आपको आज़ाद वीसा में आने की मन है तो आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई ऐसा आपको साथी ऑलरेडी काम करता हो कतार में तो उसके बोल करके, जो आज़ाद वीसा का जो काम करते हैं उसके बोल करके आप आज़ाद वीसा में आ सकते हैं दोस्तों। पर एक बात और बता दे दोस्तों कि जब आप आज़ाद वीसा में भी आते हो कतार तो जो क्वारंटाइन का सिस्टम है दोस्तों आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, और जो 7 डेज क्वारंटाइन है दोस्तों वो फॉलो करना पड़ेगा, और आपको होटल भी बुक करना पड़ सकता है दोस्तों। अब एक कोविड के दौरान आप कतर आते हो तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ सकता है, यानी कि बहुत ही खर्च पड़ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका वीसा का खर्च, होटल का खर्च, सबको आपको लग सकता है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये वीडियो इसलिए बनाए दोस्तों कि बहुत से दोस्त लोग हमको कमेंट कर रहा था कि सर आज़ाद वीसा क्या होता है और आज़ाद वीसा खुला है कि नहीं, इसलिए ये वीडियो बनाया दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों फिर नए अपडेट्स लेकर के। तो इसलिए दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और ये वीडियो का देखने के बाद लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।